अरस्तु के शब्दों में कहें तो मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, और वह जो राज्य के बिना रहते हैं या तो वो देवता है या पशु। स्वाभाविक प्राणी होने के नाते राजनीति के हरेक पहलुओं की जानकारी होना आवश्यक है। तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे राजनीति क्या है, यानी व्हाट इज पॉलिटिक्स। राजनीति को प्राय अंग्रेजी में पॉलिटिक्स शब्द से जाना जाता है। पॉलिटिक्स, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ नगर राज्य या सिटी स्टेट होता है। राजनीति को समझने में सबसे महत्वपूर्ण शब्द राज्य है, राज्य यानी स्टेट, जो कि लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है। स्टेटस का अर्थ है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। राज्य को परिभाषित करना उतना ही मुश्किल कार्य है जितना कि भूसे में सुई ढूंढना। विद्वानों के बीच राज्य की परिभाषा को लेकर काफी मतभेद रहे हैं, परंतु एक बात को लेकर सर्वसहमति रही, वह यह है कि राज्य के निर्माण में कुछ तत्व आवश्यक हैं, जैसे जनसंख्या, भू क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। एक एक करके जानते हैं कि इन चारों तत्वों का क्या योगदान। सबसे पहले भू क्षेत्र। भू क्षेत्र यानी निश्चित भूभाग या किसी का भी भौगोलिक क्षेत्र। जैसे किसी इमारत के निर्माण में जमीन काफी योगदान होता है, इसी प्रकार राज्य के निर्माण में भू क्षेत्र का काफी योगदान रहा है। भू क्षेत्र के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जनसंख्या। जनसंख्या यानी किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग। जिस प्रकार इमारत के निर्माण में जमीन इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार किसी भी मकान को बिना लोगों के घर नहीं कहा जा सकता, या यूं कहें किसी निर्जन क्षेत्र को प्रदेश कहा ही नहीं जा सकता। पर जनसंख्या कितनी? प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यह कहा कि राज्य की जनसंख्या कुछ 5 से 10 हजार के बीच होनी चाहिए। अरस्तु यहां तक कह गए कि राज्य की जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में हो तो बेहतर है। इसके अलावा तीसरा तत्व जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है सरकार। सरकार यानी कि राज्य की शासकीय संस्था या फिर एजेंसी। सरकार राज्य को संचालित करने में विभिन्न अंगों का सहयोग लेती है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन्हीं अंगों के सहयोग से वह राज्य में शांति और राज्य के विकास के कार्यक्रमों को निर्धारित करती है। इन तीनों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, यानी सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का अर्थ निर्णय लेने की अंतिम शक्ति। निर्णय दो तरह के होते हैं, आंतरिक व बाह्य। आंतरिक निर्णयों की बात करें तो इसके अंतर्गत पुलिस, कानून और भूमि संबंधी निर्णयों को शामिल किया जाता है। वहीं बाह्य निर्णय की बात करें तो युद्ध, शांति, सहयोग जैसे विषयों को बाह्य निर्णय में शामिल किया जाता है। और जब कभी भी किसी राज्य पर इन दोनों तरह के निर्णयों को लेने में कोई नियंत्रण ना हो या वो राज्य स्वतंत्र हो, तो हम उस राज्य को संप्रभु राज्य कहते हैं। तो इस तरह हम देखें तो राज्य के निर्माण में चार तत्व बहुत आवश्यक है, भू क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इस तरह राजनीति राज्य की नीति है, परंतु यह केवल एक लघु दृष्टिकोण है। राजनीति की बात करें तो राजनीति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित वो सारे तत्वों को शामिल किया जाता है जो कि हमारे शासन, प्रशासन और जनता से संबंधित है, और इन्हीं तीनों के अंतर्गत या इन्हीं तीनों की गतिविधियों को राजनीति कहा जाता है। तो इस तरह आज की क्लास हम लोगों ने यह जाना कि राजनीति क्या है, राज्य के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन से हैं, और राज्य किस तरह शासन, प्रशासन और जनता के संबंधों से संबंधित है। थैंक यू।